रांची के शहीद भगत सिंह पार्क में शहीद भगत सिंह संगठन समिति द्वारा संविधान दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। समिति के प्रधान सरदार किशन अलावादी ने बताया कि ये 75वां गणतंत्र दिवस जो कि संविधान दिवस के हम इसे आज यहां पर मना रहे हैं। इस दौरान शहर के तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, वह शहीदों की को भी इस दौरान याद किया गया। वह बाबा साहब द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ को हमेशा याद रखें, ये बात सरदार किशन अहलावादी ने कही। उन्होंने कहा कि संविधान की बदौलत ही आज हमारा देश चल रहा है, इस संविधान के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वरना आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते। शहीद भगत सिंह संरक्षण समिति द्वारा जो समय समय पर शहीदों को याद करती है, उनकी जयंतियां मनाती है, उन्होंने आज 26 जनवरी को शहीद भगत सिंह पार्क के अंदर हमारे जो कुर्बानी देने वाले जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके आगे जो हमने 26 जनवरी को ये सेलिब्रेट कर आज का दिन, ये 75वां गणतंत्र दिवस जो आज हमारी समिति ने धूमधाम से मनाया, क्योंकि आज के दिन संविधान लागू हुआ था, वो संविधान जिसके अंतर्गत हर वर्ग आता है, ये नहीं कि अमीर नहीं आता, गरीब नहीं आता, सबके लिए एक ही कानून बना है। वो बीच में कुछ कानून वाले कुछ कर जाएं वो अलग बात है, लेकिन कानून जो है पूर्णतः एवरी पर्सन पर लागू होता है। उसको आज हमने बहुत अच्छी तरह मनाया, खुशियों भरा, प्रसाद बांटे, लड्डू बांटे, शहीदों को हमने फूल अर्पित किए, और बहुत ही काफी दूर दूर से आज हमारे जो बनाए हुए साथी आए हुए थे, सब ने इसको आज सेलिब्रेट किया। भगत सिंह समिति हमेशा जो है ना शहीदों की पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाती रहती है, और जो ना कोई भी प्रोग्राम हो उसको जो है ना नहीं जाने देती। इसलिए हमने आज निश्चय किया कि आज हम गणतंत्र दिवस जो है ना भगत सिंह पार्क में ही मनाएंगे, और सभी साथियों को बुलाया था और अधिक लोग यहाँ पहुंचे। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, अंग्रेज जो है ना 3 साल के बाद जो है ना हिंदुस्तान को छोड़ा था, क्योंकि हमारा संविधान उस टाइम था नहीं। संविधान पूर्ण होने के बाद हमारा देश जो है ना परिपूर्ण जो है आजाद हो गया और हमारे कानून लागू हो गए, उस दिन अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चला गया। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, इसी तरह मनाते रहे, सब कुछ शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। आज हमने यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर संविधान दिवस मनाया, और यहाँ पर हम सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए, और मैं हमारी समिति की ओर से शहीद भगत सिंह सेवा समिति की तरफ से पूरे शहरवासियों को, द ग्रीन मर्चेंट हाथी अनाज मंडी की तरफ से भी पूरे शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू जी। चंदन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मीडिया का बहुत बहुत आभार, और 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, पूरे हाथीवासियों को, ऐसे ही हमारा देश तरक्की करता रहे। जय हिंद, जय भारत। नरेश जी क्या कहेंगे? आप भी आज यहाँ पे पहुँचे हैं काफ़ी खुशी के साथ, मतलब आज का ये जो डे है आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, शहर की हस्तियाँ यहाँ पर पहुँची हैं। पहले तो सभी देशवासियों को, हमारे शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएँ। और आज हमने शहर के गणमान्य लोगों के साथ एकत्रित होकर शहीदों को याद किया है, और सभी को शुभकामनाएँ गणतंत्र दिवस की दी है। आज यह शहीद भगत सिंह समिति ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया है, और इसमें शहरवासियों का सभी का धन्यवाद करते हैं हम यहाँ पूगने पर, और बहुत बहुत बधाई उनको भी, शहरवासियों को भी। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा एक देश हम आज खुले हम लेने लग रहे हैं जी।